हेलो जी नमस्कार, मैं आपका हरि भदौरी एक बार फिर मैं हेल्प यूनियन में आप सभी का स्वागत है। और भाई आज आप सभी को एक दिखाने वाले हैं जबरदस्त ब्लॉग वीडियो। और वो जबरदस्त ब्लॉग जो वीडियो होगा वह किस चीज़ का होगा? वह होगा भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे फेमस डिपार्टमेंट, सबसे फेमस जो फैकल्टी है ना उस चीज़ की होगी। और उसका नाम क्या है भाई? लॉ फैकल्टी। भाई लॉ फैकल्टी में हमें पूरी परमिशन मिल चुकी है। हम हर एक डिपार्टमेंट को अभी कुछ टाइम पहले जा करके परमिशन ले चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ें बंद थी उसे खुलवाने का प्रयास किया आप सभी के लिए। तो भाई वीडियो को देखो और पूरी तरह से लाइक करो एंड शेयर करो एंड पूरी दबा के भाई कमेंट एंड दबा के भाई सब्सक्राइब कर दो। और भाई आपका आज आशुतोष त्रिपाठी नहीं आ पाए हैं तो उनके बदले में हमारे साथ हमारे भाई इस समय जो कि धर्मेंद्र, आप देख सकते हो धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज भाई जो कि आज मतलब ऐसी वीडियो बनने वाली है ना जो कि लॉ फैकल्टी ही नहीं पूरे इलाहाबाद को गौरवान्वित करने वाली वीडियो होगी। इसका कारण इसलिए भाई क्योंकि आज वो वीडियो बनने वाली है जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस चीज़ का क्या कहा जाता है? गढ़ कहा जाता है। तो भाई आज वही वीडियो बनने वाली है। और भाई लाइक एंड शेयर एंड दबा के कर दो यार और पूरी तरह से साथ दो भाई का। और पूरी तरह से चलो अब दिखाते हैं क्या भाई, चला जाए तो भाई अब चलते हैं क्या, आपको दिखाते हैं पूरी तरह से लॉ फैकल्टी। ओके बाय। तो भाई मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, आर्ट्स फैकल्टी के पास में है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे लॉ फैकल्टी, ठीक है। लॉ फैकल्टी अगर आपको जाना है तो लॉ फैकल्टी जाने के लिए आपको आर्ट्स फैकल्टी से बैंक रोड पूछना होगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको बैंक रोड पूछना होगा। और बैंक रोड पर ही क्या स्थापित है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो चीज़ वहीं पे स्थापित है। और उसके ठीक पीछे देखोगे तो उसके ठीक आगे अगर बढ़ोगे, ठीक है, पीछे, ठीक है, तो वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा? लॉ फैकल्टी। तो भाई हम जा रहे हैं लॉ फैकल्टी और चलो दिखाते हैं कैसे आपको जाना है। फिर भाई चलते हैं और भाइयों को दिखाते हैं क्या पूरी तरह से लॉ फैकल्टी का पूरा इंजॉय। फाइनली गाइज हम लोग कहाँ आ चुके हैं कि मतलब जो हम लोगों की इस समय हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वह कहाँ पे खड़े हैं, वह रहा लॉ फैकल्टी। और लॉ फैकल्टी आप देख सकते हो यार कि वो मेन एंट्री थी सामने से और वहाँ से हम लोग अभी एंट्री किए हैं। और इसमें हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे देखिए दो डिपार्टमेंट हैं लॉ फैकल्टी में। जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। जो फर्स्ट डिपार्टमेंट होगी उसको लॉ 3 ईयर्स कहते हैं और जो सेकंड डिपार्टमेंट वो हमारी उसको लॉ क्या कहते हैं उसको 5 ईयर्स कहते हैं। वहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट होंगे वहाँ पर जो हमारे पढ़ते हैं जो कि BA LLB करने आते हैं। और BA LLB जो होते हैं ना वहाँ 5 ईयर्स के स्टूडेंट आते हैं और जो स्टूडेंट केवल LLB पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे क्या किया गया है कि डिपार्टमेंट बांट दिया गया। और हम सब क्या चलते हैं कि मतलब अब इसके अंदर जाएंगे और फिर से जो 5 ईयर्स है हम उसको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए फर्स्ट जो चीज़ है हम ये क्या करते हैं कि अपने जो 3 ईयर्स ला डिपार्टमेंट है हम क्या करते हैं कि पहले उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। आ जाओ। फाइनली गाइज हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं जो कि ला जो 3 ईयर्स डिपार्टमेंट हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ की जो 3 ईयर्स में जो लाइब्रेरी है उसी को दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ में जो कि कुछ अगर प्रोफेसर से हमारी बात हो सकती है तो हम उनसे भी मिलने की प्रयास करेंगे। चलिए हम आते हैं और जो आगे की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आगे लाइब्रेरी भी पड़ी हुई है तो हम क्या करते हैं कि उसी को क्या करते हैं कि दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जब आओगे मेन एंट्री जैसे करोगे, ठीक है, आप भी जैसे मेन एंट्री करोगे उसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय विधि संकाय विधि विभाग, ठीक है। तो जो भी हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट होंगे इसमें आकर के अपना अध्ययन कर सकते हैं। साथ में आप जब आगे की ओर जाओगे तो इसमें काफ़ी जो आप देख सकते हो कि लॉ फैकल्टी की जो लाइब्रेरी है क्लासेज हैं तो क्लासेज अभी फिलहाल क्या है बंद हैं पूरी तरह से। अभी यहाँ पर मतलब जो LLB की क्लासेज हैं वो उनके लिए क्लासेज नहीं ओपन की गई है। बाकी के लिए जो भी है ना जो कि बाकी के चीज़ के लिए आपको ओपन कर दी गई है। जो भी हमारे रिसर्चर हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी क्या कर सकते हैं कि पढ़ाई और जो भी स्टडी है वो यहाँ पर अध्ययनत कर सकते हैं। चलिए साथ में हम सभी यहाँ पे जो कि लॉ फैकल्टी की जो लाइब्रेरी है 3rd ईयर्स में, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा, देख सकते हो कि लॉ फैकल्टी की लाइब्रेरी है और हम क्या करते हैं कि इसको अंदर चलेंगे और अंदर लाइब्रेरी कैसी है हम उसको क्या कर देंगे यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं।
आप जैसे ही अंदर आओगे भाई, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब मेन काउंटर है, और यहाँ पे इस काउंटर पर क्या करना पड़ता है कि परमिशन लेनी पड़ती है। साथ में हम क्या करते हैं कि मतलब जो सामने हमारी लाइब्रेरी पड़ी हुई है, हम उसको क्या करेंगे कि दिखाने का प्रयास करते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो कि ये जो कि रहा यहाँ पर, ये देख सकते हो कि ये जो कि लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में क्या करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट जो कि LLB के स्टूडेंट है, वे आकर के यहाँ पे क्या करते हैं कि अपनी अध्ययनरत करते हैं। और ये रही हमारी लॉ फैकल्टी की जो सबसे बड़ी हॉल और सबसे बड़ा ये कह रहा लाइब्रेरी हॉल, आप देख सकते हो ये हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी के ठीक जैसे ही है। लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ की बात करें तो उनसे उम्दा ही है किताबों के मामले में, जैसे कि यहाँ की जो भी बॉक्सिंग है वह पूरी तरह से सेपरेट कर दी गई है, पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और लेकिन जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी में ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलती हैं। साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरे मल्ले पे, ठीक है, आपको दूसरे मल्ले पे भी क्या क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मतलब तल्ले जो है ना उन पे भी आपको किताब उताब देखने को मिल जाती है, वहाँ पर भी आप जाकर के स्टडी वस्टडी कर सकते हैं। तो साथ में हमारे जो कुछ यहाँ पे सर मौजूद हैं, हम क्या करेंगे उनसे भी बात करने का, चलिए कुछ प्रयास करते हैं कि इस लाइब्रेरी की जो कि खासियत वसीयत क्या है, चलिए हम उनके बारे में इसके बारे में क्या करते हैं कि सर लोग उसे जानकारी हासिल करते हैं। तो फाइनली भाई आप देख सकते हो कि हमारे सर हमारे पास क्या है कि दो सर यहाँ पे स्टॉप हैं इस लाइब्रेरी को लेकर के। पहले जो हमारे सर हैं वह क्या अपनी इंट्रोडक्शन आप खुद मतलब देंगे, और सर हमारे जो दूसरे हैं वहाँ की स्टॉप हैं, ठीक है। और जो हमारे पहले जो सर है ये क्या है कि ये लाइब्रेरी हेड है, मतलब लाइब्रेरी ये इंचार्ज है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी की जितनी भी संबंधित जानकारियाँ ना इनसे पाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक क्या माहौल है, कैसे स्टूडेंट आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, सब जानकारी हम सर से हासिल करने का कोशिश करते हैं। मैं सुरेश यादव जो है डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी का इंचार्ज हूँ, और आपको जो भी जानकारी लेना चाहें बताएंगे, आपको बताएंगे। नवंबर तक तो लाइब्रेरी बंद थी, अक्टूबर से जो है यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया जो है प्रशासन ने जो है PG और रिसर्च स्कॉलर के लिए। अच्छा सर, PG और रिसर्च स्कॉलर के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आते रहते हैं। अच्छा सर, क्या लगता है कि मतलब जो BA LLB जो LLB के लिए लड़के आए हुए थे फर्स्ट ईयर जो कि 2020 में एडमिशन लिए हुए हैं, क्या उनका मतलब कुछ लगता है कि ऑफलाइन जब क्लासेस चलेंगी तो यहाँ पर उनका आना जाना शुरू होगा? हाँ, चालू होगा सर। ये ओके सर, और मेरा नाम है पुस्तकालय में देखभाल करते हैं, किताब उताब निकालते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, निकालते हैं। और सर मतलब ये जो यहाँ पे मतलब जो पुस्तकालय है इसकी फैसिलिटीज क्या है सर? बहुत अच्छी है, मतलब हर एक तमाम की प्रत्येक प्रकार की बुकें यहाँ पे मिली हुई है ना? कोई भी किताब, हर एक किताब यहाँ है, बहुत बहुत पुरानी पुरानी किताब है, वो लड़के आज के लड़के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं जो जितनी किताब है। अच्छा, पुरानी जमाने की ऐसी ऐसी किताब यहाँ पढ़ी जाती है। यस सर, किताबों की कमी नहीं है, रीडर्स की कमी है। यहाँ कर्मचारी की कमी आए और किताबें की कमी नहीं रहती, कितनी किताब है। या ओके ओके, फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि हमारे सर जो कि हमारे सुरेश सर और हमारे जो यहाँ पर सर थे, इन्होंने क्या किया कि मतलब जो भी यहाँ की फैसिलिटीज़ थी उसको बताने का प्रयास किया है। और साथ में इन्होंने ये भी शुभकामनाएं दी हैं कि जल्द से जल्द UG वाले जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्या करें कि ये मतलब फैकल्टी खुले और वो भी लड़के क्या करें यहाँ पर अपना अध्ययन ले सकें। चलिए हम साथ में सर का तो धन्यवाद करते हैं, और साथ में कुछ आगे भी कुछ पड़ी हुई है लाइब्रेरी, उसको भी हम क्या करते हैं दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हो यार मतलब सर हम लोगों को लेकर के जा रहे हैं जो ऊपर की लाइब्रेरी, हम क्या करेंगे कि उसको भी अध्ययनरत करेंगे, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि ऊपर की लाइब्रेरी की फैसिलिटीज क्या है। आप इस नीचे से देख सकते हो, ये नीचे से देख सकते हो और कैसी ये फैसिलिटीज है यहाँ की। और साथ में हम क्या करेंगे कि अगली जो लाइब्रेरी है हम क्या कर रहे हैं कि उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपको थर्ड ईयर यानी कि लास्ट जो थर्ड ईयर से डिपार्टमेंट है उसमें देखने को मिल जाएगा। वाह सर, गजब की सीन है भाई, मतलब हम जिस चीज़ को सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितनी पुरानी पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं सर, आपको दिखाएंगे ऐसे ऐसे किताब हैं। ये आप देख सकते हो यार, मतलब लॉ से संबंधित हमारे सर मतलब कुछ किताब दिखा रहे हैं। सर कितनी ईयर की होगी पुरानी है? अरे बहुत पुरानी किताब, 1988 की किताब ही है, 1988 की ये किताब खरीदी गई है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि कितनी मोटी मोटी किताबें हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हो यार, मतलब इतनी पुरानी पुरानी आप देख सकते हो कि कितनी ये जो लाइब्रेरी है ना, ये किताबें सड़ सड़ गई हैं, मतलब ये देख रहे हो कि किस हालत में है ये सब। तो आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज रही है। साथ में आप सर हमें क्या कर रहे हैं कि और भी कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए हम उसको भी देखने को यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं। यस सर, ये देखिए लॉ से संबंधित कुल कितनी यहाँ पे किताबें हैं, और किस चीज की किताब है सर ये? किताब को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट की और क्या क्या है, ये कौन सी डिपार्टमेंट की है,
आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की किताब है। और ये क्या है कि मतलब इस पर तो अभी हम लोगों को मुश्किल हो रहा है कि मतलब किस चीज़ की किताब है, क्या है। हाँ, लेकिन आप इसको आगे से देख सकते हो, इसकी फ्रंट क्या है पढ़ सकते हो। ये है फेडरल रिपोर्टर है, ठीक है भाई, इसको कहते हैं फेडरल रिपोर्टर की ये कुछ किताब है। और इस पर कुछ मार्क लिखे हुए हैं 380, 90, 28, 300। तो इसकी कुछ मार्किंग है कि आपको ये जो सर हैं, अगर आपको फेडरल रिपोर्टर से संबंधित कोई किताब पढ़नी होगी तो आप सर से कहोगे तो सर आपको क्या करेंगे, वो चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। ओके थैंक्स सर, लगा दो इसको, लगा दो। तो आप देख सकते हो अभी हम क्या कर रहे हैं कि आगे की भी कुछ जो कि यहाँ पे पुरानी लाइब्रेरी है, ठीक है, ये क्या है कि थर्ड ईयर से जो डिपार्टमेंट है ना उसमें ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आगे की कुछ और किताब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखने का प्रयास कर रहे हैं। वाह सर, मतलब इतनी मोटी भाई, मैंने कसम से कह रही कि आज तक कोई भी किताब हमने नहीं देखी है भाई। देख सकते हो यार, इधर उधर किताब है, इधर आप किताब नाम खोलो और सामने कैमरा का रहना। आप देख सकते हो कि मतलब इतनी किताब, नाम बोलो ना। किताब किताब किसके नाम, किस चीज़ की है? द येलो जर्नल, द येलो जर्नल, यानी कि जो ये किताब है आप देख सकते हो यार कि मतलब इतनी मोटी है। और लॉ फैकल्टी के जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे इस लाइब्रेरी में आएंगे और ऐसी ऐसी किताबों को उनको पढ़ने का क्या होगा कि मौका मिलेगा। जितनी पुरानी किताब है मत देखो, इकट्ठो निकालो। और कुछ सर हमारे क्या कर रहे हैं कि जो कि पुरानी किताबें हैं उन चीज़ों को भी हमारे सर क्या कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर का लाख लाख धन्यवाद है कि इतनी चीज़ें हमें कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो यार, ये लाइब्रेरी आप देख सकते हो कि कितनी दूर तक ये पूरी लाइब्रेरी है भाई, लाइब्रेरी का पूरा फुल इंजॉय है, ठीक है। तो आप आओगे तो काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ में हमारे कुछ और किताबें यहाँ सर ने दिखाई, देख सकते हो कि 1984, ठीक है, 1984 की किताब है भाई। और ये किताब आप सब देख सकते हो। और ये क्या है कि दी जनरल ऑफ बिजनेस लॉ, ठीक है। आप किसी भी यात्रा के अंतर्गत क्या कर सकते हो कि जो भी बिजनेस के संबंधित जो भी लॉ होती हैं आप उनसे क्या कर सकते हो, इसमें अपना अध्ययन ग्रहण कर सकते हो। तो देखो भाई, जो भी BA LLB वाले हैं, BA वाले हैं, मतलब BA वालों को तो कुछ नहीं है लेकिन BA LLB वाले हैं, LLB वाले हैं, उनका क्या है कि बहुत ज़्यादा सहायता, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। किताब में आप कुछ और किताबें यहाँ पे देख सकते हो। अरे आप किताब क्यों, तो किताब ले लो ना। आप देख सकते हो कि कुछ सर हमारे और किताब दिखा रहे हैं, दी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और ये जो किताब रही ये भी लगभग हमारी उसी सन की है, ये हमारी 1883 के आसपास की कुछ किताबें पड़ी हुई है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यार, मतलब इसके पन्ने देख सकते हो, ये जो क्या है कि फेडरल रिपोर्टर का ही है, ठीक है। तो ये जो वो किताब हमने देख रखी थी उससे बहुत पुरानी है, और ये जो फेडरल रिपोर्टर का ही है 1931 की, ये 1931 भाई, 1931 की किताब हम आपको दिखा रहे हैं यार। ये देखो उसमें है लॉ रिव्यू का है, ठीक है। ये देखो 1931, यानी कि भाई जिस लाइब्रेरी में हम लोग आए हुए हैं उस लाइब्रेरी की क्या है ना, जो किताब देख रहे हो वह 1931 की है। हमारी हमारा जो विश्वविद्यालय है वह सन 1889 में खुला था, और इसमें आप देख सकते हो कि सन 1931, यानी कि लगभग इसी अंग्रेजों की किताब है भाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेज बैठ के जो किताब पढ़ा करते थे, आज हम इसी किताबों को देख पा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं ना कि पढ़ने के लिए कोई आता नहीं, और किताब तो ऐसी किताब यहाँ की जज कलेक्टर पहले चांस इतना जज बने बन जाएंगे। वाह यार, देखो सर ने कह रखा है कि ये क्या कर सकते हैं कि पहले ही बार में, यानी कि पहली ही बार में अगर आप इन किताबों को पढ़ें तो आप पहली ही बार में क्या कर सकते हैं कि बहुत ही बड़ी यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सर का बहुत धन्यवाद, और इनसे भी पुरानी जो भी किताबें हैं सर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब भाई मुझे अनबिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अंग्रेजों की किताब में देख रहा हूँ। जो अंग्रेज इस किताब को बैठ के पढ़ा करते थे वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किताब हो सर इससे पहले की, छोटू तो इससे पहले की भी कोई किताब हो तो हम क्या करेंगे उसको भी देखने का क्या कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं। 1947 की है या ये भी 1948 की है भाई, 1947 हमारी देश को आज़ादी मिली है, और 1948 को मतलब अच्छा सर ये नहीं है कि मतलब किन स्टूडेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट की यहाँ पे कोई रही हो जो स्टूडेंट यहाँ का बेस्ट हो, कुछ ऐसा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ सुरेश से पूछ क्या? नहीं स्टूडेंट तो नहीं, बुक का ऑथर का नाम है ये। अच्छा चलिए कोई नहीं, मतलब ये बात हाँ देख लीजिए। और ये देखिए क्या है कि कैनेडियन बार रिव्यू, ठीक है। तो जो भी कैनेडियन से संबंधित अगर आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपके संविधान में किताबें होंगी वह यहाँ पर पड़ी हुई हैं। 1932। वाह यार, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर है 1932 की, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहले जो होता था ना कि यहाँ पे बार लाइब्रेरी लिखा हुआ है 20 मई 1932 की ये किताब यहाँ पे पड़ी हुई है। 1921 की भाई, 1931 आप देख सकते हो यार, मतलब 21
जनवरी 1921 की किताब है, आप देख सकते हो ना, 1921 में भी बोल रहा हूँ, तो 1921 का किताब है और ये है कोलंबिया लॉ रिव्यू। ठीक है, हर एक देश की किताब का आपको मिल जाएगी, हर एक देश से कॉन्स्टिट्यूशन जिससे लॉ से संबंधित हर एक किताब मिल जाएगी भाई, बस आपको पढ़ने की देरी है। और देखो सर ने हमारी कुछ एक बड़ी बहुत ही बड़ी शब्द बोल रखी थी कि यहाँ पर किताबों की कमी नहीं है, यहाँ पर पढ़ने वालों की कमी है। तो भाई आप याद रखो कि जब भी हमारे LLB में आओ, जब भी इस डिपार्टमेंट में आओ, तो पढ़ने के उद्देश्य से आओ, कोई और उद्देश्य मत रखो। ठीक है, अभी पूरी लाइफ है, पूरा लाइफ बनाओ। यहाँ से सर ने भी जैसे बता रखा है कि अगर आप पढ़ाई में मन लगा लिए, पढ़ाई में अगर मन लगा लिए, तो आप बड़े से बड़े क्या कर सकते हो कि जज, बड़े से बड़े वकील बन सकते हो, अधिवक्ता बन सकते हो। तो भाई इतनी बड़ी हम ऑफर को क्यों छोड़ने जाएं, समझ सकते हो ना, इतनी बड़ी ऑफर को आप क्यों छोड़ने जाएं। तो भाई आप देख सकते हो अभी हम ला 3 इयर्स डिपार्टमेंट में हैं। किसमें हैं? ला 3 इयर्स डिपार्टमेंट है, जिसमें फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं। तो भाई आप इस चीज को देख सकते हो यार, मतलब लाइब्रेरी की यहाँ पर क्या डिमांड है। ये लगभग बहुत ही पुरानी पुरानी किताबें हैं और मतलब अनबिलीवेबल हो रहा है भाई। मतलब इतनी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रही है कि इतनी पुरानी मुझे कभी किताबें देखने को मिलती, मतलब इतना पुराना किताब, मतलब भाई कसम से कह रहा हूँ मुझे नहीं विश्वास हो रही है यार। सर हमारे कुछ और किताब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सर 1900, ये अरे वाओ, सबसे बेस्ट किताब अभी तक की हम लोग की सबसे बेस्ट किताब भाई मिली है। ये किताब, एक मिनट सर, ये किताब जो है 1883 की है। आप इस किताब को देख सकते हो कि इसमें किसने लिखा होगा 1883 में। भाई ये जो किताब है आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये 1883 की किताब है और जब हम लोग की पैदाइशी भी नहीं हुई थी। हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि हम लोग कब पैदाइशी होगा, कब हम लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी अलाहाबाद में पढ़ने और कब हम लोग की ऐसी किताबें देखने को मिलेंगी। भाई 1883 जब हमारा देश क्या कर रहा था, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जिस समय हमारे देश में क्रांतिकारी बार बार लड़ रहे थे, क्रांतिकारी हमारे जो लोग थे वे एकाएक लोग लड़ रहे थे इस देश को, मतलब आज़ादी के लिए, उस समय की हम किताबें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो भाई आप देख सकते हो कि मतलब फिर से एक हमें किताब मिली है और इसका नाम है द इंग्लिश रिपोर्टर्स। ठीक है, ये देख सकते हो ये भी किताब 1883 की ही है और भाई इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1889 ईस्वी में हुआ था ना सर, 1889 ईस्वी में इस अलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। और उससे पहले ये जो किताबें आप देख सकते हो ना, ये सब किताबें अंग्रेजों ने लिख रखा है। ये जितने भी किताबें हैं यहाँ पे, इन सभी देख रहे हो, मतलब एक एक पन्ने इनके खत्म हो गए यार, मतलब जैसे कोई साक्ष्य रखा होता है, ठीक वैसे ही हाल है। आप देख सकते हो कि मतलब एक एक चीजें इनकी पन्ने जो है ना वो भी खत्म हो चुके हैं। देख सकते हो ये किताबें कैसे जर्जर हो चुकी हैं, मतलब इनमें अगर आप उठाकर पढ़ो तो सही से, अगर नहीं पढ़े तो वो किताब आपकी खत्म हो सकती है। ये 1969 की किताब आप देख सकते हो, प्राइस उस समय क्या था, 1 से 50 रुपए के बीच में इसकी प्राइस थी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ये क्या था कि प्रोस्पेक्टस कुछ है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड डिप्लोमा एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जैसे अब हम लोगों के लिए क्या आ रहा है कि कुछ किताबें आती हैं गाइड पढ़ने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक वैसे ये भी चीज़ है। ये भी 1883 की है सर, ये 1883 की। भाई मैं अभी तक जितनी दिखा रहा हूँ, मैं कसम से मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 1883 की मैं किताब देख रहा हूँ। लाइफ में मेरी फर्स्ट टाइम हुई है और इस डिपार्टमेंट में हुई है। ऐसी पहले कौन यहाँ मुझे ढूंढना है, बहुत है। अच्छा, ऐसी ऐसी किताब यहाँ कि अंग्रेजों को आपको, मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट किया और ला आप जानते ही हैं कि बहुत बड़े बादशाह थे वो लोग, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि जो अंग्रेज इस फैकल्टी में पढ़ रहे थे उस फैकल्टी में आज हम लोग खड़े हैं। क्यों सर, मतलब आपको कैसा लगा था जब हम अंग्रेजी की किताब वही कह रहा हूँ कि किताब इतनी किताब है, हाँ? ये क्या कहते पढ़ने वाले की कमी है। और सर ने एक मुझे बात बोली है कि अगर आप इस फैकल्टी में आकर के अगर आप कुछ पढ़ना चाहो तो आप बहुत बड़े जज, कलेक्टर, बहुत बड़े बड़े आदमी बन सकते हो, लेकिन बस एक बार दिल से पढ़ना। और यहाँ पे आकर के ये होता है कि बदमाशी मत करो यार, मतलब आकर के देखो अपने माँ बाप का बोझ समझो और माँ बाप का मतलब कुछ करो उनके लिए। हाँ, माँ बाप ने पैसा दिया है, आराम से पढ़ो सुविधा हम लोग देते हैं। या मतलब देखो अगर आपको आना होगा तो सर से, सर को मैंने दिखा रखा है, आप जब भी आइए तो सर से मुलाकात कीजिए। मैं अभी आगे की नीचे की जो लाइब्रेरी है जो कि अभी मॉडर्न की है, ठीक है, ये आपकी काफी ज्यादा हो चुकी है, मतलब एसेंट हो चुकी है, प्राचीन हो चुकी है, मतलब काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लगभग ये 100 साल पहले की किताबें हैं। कितनी भाई, 100 साल पहले की किताबें मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। 100 साल किताबें की पहले, जब हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद खुला था, हम तब की क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे किताबों को देख पा रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग तो इस डिपार्टमेंट में हैं
और देखो भाई एक चीज और बताते हैं, अगर वीडियो लंबी हो तो वीडियो को लंबी देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चीजों को देखो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता हो। अब ऐसे नहीं कि कोई आपको चटपटा कोई चीज दिखाए तो आपको वही ठीक लगे, लेकिन हम आपको बेस्ट चीज दिखा रहे हैं। अभी तक हम लोग इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं गए हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग इतनी पुरानी पुरानी किताबें देख रहे हैं भाई, जो कि विश्वास नहीं हो रहा अपने आंखों पे। अच्छा ये कितनी, ये तो अभी नई नई आई है, 2021 की किताब आई है, ये करंट टैक्स रिपोर्टर की, ठीक है भाई? आप देख सकते हो ये अभी नई नई किताब आई है, और इसकी भी क्या उपयोगिता होती होगी, क्या पढ़ाई होती होगी, अभी तो मुझे तो कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बेस्ट होती होगी। और आप देख सकते हो ये किताब, इस किताब की भी फैसिलिटीज आप देख सकते हो कि क्या है, कब की है, कुछ है डेट सर? ये वो 2019 नहीं नहीं 2015 की, 2015 का ही किताब है, तो आप इस किताब को देख सकते हो 2015 की। लेकिन भाई 2015 से भी बेहतर हमें वो किताब हमें देखने को मिली है, जो किताब हम भाई 100 साल पहले की किताबें देखे, भाई विश्वास नहीं हो रहा था आंखों पे कि हम लोग 100 साल पहले की किताबें देख रहे थे यार। चलिए अब हम चलते हैं कि न्यू वाले जो डिपार्टमेंट है, न्यू जो डिपार्टमेंट हम क्या करते हैं उसमें चलने का प्रयास करते हैं, जो नई नई लाइब्रेरी यहाँ पर स्थापित है उसको हम क्या करते हैं देखने का प्रयास करते हैं। तो भाई आप देख सकते हो कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगली लाइब्रेरी की ओर जा रहे हैं, और ये लाइब्रेरी कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट में जो कि PhD हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी हमारे स्कॉलर, जो भी हमारे मतलब संशोधन करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए बनाई गई है। तो आप ये हम लोग उस लाइब्रेरी में आ चुके हैं, जिस लाइब्रेरी में आप देख सकते हो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इस लाइब्रेरी में क्या होता है ना कि वो स्टूडेंट आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हो तो उनके लिए भाई किताबों की कमी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब सर हमें कुछ और किताबों को दिखा रहे हैं, ये भाई देख लीजिए कि हाई कोर्ट आप यहाँ पे क्या है, जुडिशियर एंड अलाहाबाद, ये भाई 1866 से 1900, अरे भैया 1866 की चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी कि 1866 से 1966 से क्या क्या रूल रही हैं, क्या क्या चीज़ें रही हैं, मतलब आप देख सकते हैं किताब की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक लाइब्रेरी में रखी गई है। तो भाई जब भी हमारी इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई होगी तब से इन लाइब्रेरी को क्या किया गया कि बहुत ही संभाल के रखा गया है। 100 ईयर्स की किताब है, 100 ईयर्स क्या है, 1900 अभी लिखा था ना बैग में लिखा हुआ है, 1866 से 1966 तक जितने भी रूल रहे ना, जितने भी जो भी चीजें रही हैं, ये आप देख सकते हो कि इनमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये जो कि मॉडर्न है, ठीक है, और इसके ठीक ऊपर जो हम लोग ऊपरी वाली बिल्डिंग पे थे ना, वहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी चीज और 100 साल से पुरानी किताबें हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो ये किताबें उतनी पुरानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको अध्ययन करने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो कि मॉडर्न स्टूडेंट होंगे ना, जो भी यहाँ पे मॉडर्न स्टूडेंट होंगे, सामने वाले लाइब्रेरी जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है, और इस लाइब्रेरी में आकर के अपना क्या कर सकते हैं कि अध्ययन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि, आप बहुत कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल, बहुत कुछ डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ किताबें हैं, तो आप सभी आकर यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फुल अपना एंजॉय कर सकते हैं। दिखा दीजिए बेटा, तो भाई देखो यार वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आपके लिए, और ये अभी केवल हम लोग थर्ड ईयर लॉ डिपार्टमेंट में हैं, अभी फोर्थ ईयर जो हमारी 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट है अभी हम लोग उसमें नहीं गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ये देख सकते हो यार, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ है, ठीक है, तो आप उसमें जा करके, इसमें भी कुछ बहुत कुछ लिखी गई है, इसमें कोडिंग भाषा लिखा गया यार, मतलब कुछ कोडिंग में लिखा गया, तो जो कि हम लोगों की मतलब 1955 की किताबें, नहीं 1955 ये सब लिखी गई है ना, 26 अच्छा फर्स्ट एडिशन जो है ना भाई, यहाँ पे 1826 भाई, जो भी यहाँ पे देखो जो अंग्रेज है ना यहाँ पे, जो क्या है कि भाई जेम्स चिटी जूनियर, ठीक है भाई, जो ये क्या है जोसेफ है उसके द्वारा लिखा गया, तो भाई ये अंग्रेज द्वारा ही लिखेंगे, अब क्या पता ये इंग्लैंड में लिखा गया कि अपने इंडिया में बैठ करके भाई जुल्मों किए हैं, एक और जुल्म कर रहे थे, दूसरे किताब लिख रहे होंगे, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। चलिए सर का मन है भाई, एक और चीज़, एक और किताब दिखा दे रहे हैं, तो भाई का मतलब देख ही लेते हैं क्या चीज़ दिखा रहे हैं सर, कुछ स्पेशल कहीं दिखा रहे हो भाई। हम लोगों के हाथ में एक और किताब बहुत ही बड़ी लगी है, जैसे कि आप सभी देखे होंगे कि सोनू सूद के घर पे छापा पड़ा था, बहुत लोगों के घर पे छापा पड़ा हुआ था, तो भाई जो छापा करने का जो रूल होता है, कैसे आप करोगे, किसको किसको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मतलब क्या क्या रूल होगी, आपको घर से बाहर नहीं जाना, मोबाइल सब टेक्नोलॉजी वोक्नोलॉजी सब बंद कर दी जाती है, तो ये किताब में जो भी रूल लिखी हुई है उसी किताब से आपको फॉलो करना होता है। ये जो किताब है वह है इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, आपको इनकम टैक्स लॉ के संबंधित आपको कानून में यहाँ पे पढ़नी होगी, और जैसे कि कोई भी छापामारी हमारी आयकर विभाग GST जो भी चीज़ें होंगी आपको सब यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोगों ने बहुत चीज़ यहाँ पे, लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे लाइब्रेरी को दिखाते दिखाते बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन सर का हम फिर से धन्यवाद करते हैं, और हमारे साथ एक छोटू था, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो सर आपका बहुत बहुत
धन्यवाद सर। नहीं, हमारे साथ सुरेश के साथ भाई, आप देख सकते हो कि अभी हम लोग कहाँ पे थे, कि अभी हम लोग कहाँ पे थे, थर्ड ईयर लॉ डिपार्टमेंट में थे, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, ये हमारा रहा फाइव ईयर लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जाएंगे और इसकी अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम क्या करेंगे कि उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हो यार, मतलब माहौल कितनी अच्छी है, यहाँ की फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। आप देख सकते हो कि मतलब अंदर की जो भी चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही बेहतर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जाते हैं और इसकी हर एक चीज़ें क्या करते हैं कि कवरेज करने का प्रयास करते हैं। फाइनली गाइज, हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं कि आप सभी, जैसे कि अभी तक हम लोग कहाँ पे थे कि थर्ड ईयर लॉ डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, लेकिन अब हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं कि लॉ फाइव ईयर जो डिपार्टमेंट है, हम उसमें आ चुके हैं। और जैसे आप लोग जैसे एंट्री करेंगे इसमें अंदर, जैसे आप देख सकते हैं कि काउंटर बना हुआ है, इस काउंटर पर आपको जो भी अंदर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस काउंटर पर आपको लेनी पड़ती है। इसलिए इसके बाद आप सभी देख सकते हो यार कि फाइव ईयर मतलब इसमें एंट्री करते ही आपको क्या क्या माहौल देखने को मिल जाती है, कैसी इसकी फैसिलिटीज है, मतलब जो लुक है ना भाई, एकदम धांसू है। और आप देख सकते हो कि जब भी कोई भी जज हो, कोई भी कोर्ट हो, उसमें क्या होता है कि एक न्याय की मूर्ति बनी होती है, तो सामने आप देख सकते हो कि किसी भी स्टूडेंट के द्वारा, किसी के मतलब यहाँ के कर्मचारी जो भी हो, उनके द्वारा मतलब एक बनाई गई है, और ये सबसे बेहद ही आकर्षक लग रहा है। तो भाई आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो आपकी लॉ फैकल्टी में आ चुके हैं, और जो अभी फाइव ईयर से जो डिपार्टमेंट है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको देखने को प्रयास कर रहे हैं। साथ में आप सभी जैसे कि आप एंट्री करोगे, तैसे आप देखोगे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल पड़ी हुई है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल की क्या फैसिलिटीज है, क्या यहाँ पे यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की क्या चीज़ें, आइए उन खूबियों को हम लोग क्या करते हैं देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर आते हैं, तो भाई ये देखो, ये है कॉन्फ्रेंस हॉल। आप देख सकते हो यार, मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल है ये। कॉन्फ्रेंस हॉल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बड़ी मीटिंग लेनी जाए, मतलब लेनी होती है, कोई भी निर्णय लेना होता है, तो इसमें बैठ करके जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, ठीक है, इसमें बैठ करके क्या करते हैं कि उस पर इन कुर्सियों पर बैठ करके वो अपना आपस में डिस्कस करते हैं, और क्या निर्णय होगा, क्या फाइनल निर्णय होगा, उसको क्या किया जाता है कि मोहर लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये सामने प्रोजेक्टर रखा हुआ है, कोई भी चीज़ होती है तो इसमें क्या होता है कि सम्मेलन होता है, इसी में सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपका रहा कॉन्फ्रेंस हॉल। अभी एक ऑडिटोरियम हॉल है जहाँ पर कुछ सभागार होती है, जबकि कोई बड़े लोग आते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं संबोधित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, ये आप देख सकते हो कि ये जो कि रहा, और इसकी फैसिलिटीज आप देख सकते हो कि बेहतर ही है, और साथ में बहुत कुछ यहाँ पे है चीज़ें दिखाने लायक। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो यहाँ पे काउंटर पे सर बैठे हुए हैं, क्या करते हैं थोड़ा इनसे कुछ जानकारी और कुछ चीज़ें हासिल करते हैं, कुछ पूछने का प्रयास करते हैं। सर यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या काम होता है? ओके, चलिए थैंक्स, धन्यवाद आपका सर। देख सकते हो कि जैसे आप कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलते हो, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें अपना काफ़ी कीमती अपना समय दिया, ठीक है भाई। तो उससे आप आगे आते हो, ये देखिए फाइव इयर्स जो लॉ डिपार्टमेंट हम लोग उसमें अभी कवरेज कर रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं कि जब आप अंदर की ओर आते हैं, तो आपको एक ऑडिटोरियम मिल जाती है। आप देख सकते हो कि इस ये सामने क्या है कि एक ऑडिटोरियम है, जो कि इसको सभागार कहते हैं। और सभागार में क्या होता है कि जो भी हमारे उच्च लोग आते हैं, ठीक है, हमारे जो भी अधिवक्ता आते होंगे, जो भी जज आते होंगे, इन चेयर पर बैठ करके, आप देख सकते हो सामने ये कुछ चेयर लगे हुए हैं, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बैच है, जहाँ पर क्या करते हैं कि लोग यहाँ पे आकर के संबोधित करने का प्रयास करते हैं। तो भाई इन्हीं मतलब क्या होता है कि, और यहाँ पर ये देख सकते हो कि पीछे कितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी हमारे बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे कोई हाईकोर्ट के जज ही आ गए, हमारी माननीय कुलपति महोदय आ गई, तो यही है लॉ फैकल्टी का सभागार, जिसमें आकर के क्या किया जाता है कि उनके द्वारा संबोधित किया जाता है। तो देख सकते हो यार, मतलब इसकी फैसिलिटीज़ क्या है, आप देख सकते हो यार, मतलब हाई फैसिलिटीज़ है यार, मतलब हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमें कभी देखने को मिली है। लेकिन भाई मैं जहाँ तक कहूँ कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज हमें क्या करने को दिख रही है, और चारों तरफ आप देख सकते हो कि एसी ओसी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ऑडिटोरियम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बहुत ही बेहतर लग रही है। चलिए आगे की चीज़ें दिखाते हैं। चुके हैं कि जो ऑडिटोरियम था उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, ये छोड़ चुके हैं, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि आगे की जो भी चीज़ है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है कि कंप्यूटर लैब है, ठीक है, जो कि हमारे क्या करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं कि इसमें आकर के अपनी मतलब जो कि टाइपिंग होती है, जो भी लॉ से संबंधित चीज़ें होती हैं, ठीक है, आदि कुछ इसमें क्या करते हैं कि वो सर मतलब सीखते हैं अपनी। तो आप देख सकते हो कि मतलब ये रहा कि लॉ फैकल्टी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या किया गया है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब खोली गई है, ताकि उनको और भी बेहतर क्या करें मिल सके, सुविधाएँ उनको मिल सकें। आप देख सकते हो
और इसमें आप सबको को काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी एक्सेल हो जो भी चीज़ें हो आप सभी को सीखने को बहुत कुछ मिल जाएंगी इसमें। चलिए हम इसमें आगे की जो भी चीज़ें हैं हम आप सभी को दिखा सकते हैं कि मतलब आगे की जो भी चीज़ें यहाँ पे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में क्या चीज़ें मिल फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती है आप सभी को देख सकते हो या क्योंकि लाइब्रेरी में आप जैसे भी एंट्री करते हो ना यहाँ पे 5 ईयर्स लॉ डिपार्टमेंट में तो आपको यहाँ पे कुछ हेड जो बैठे हैं उनकी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और साथ में आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे आप बैठने की कुछ यहाँ पे ठीक है यहाँ पे कुछ बैठने उठने की सुविधाएं हैं और जो कि यहाँ पे स्टूडेंट है वो बहुत सारी किताबें लगी हुई हैं जैसे थर्ड ईयर हॉल में लगी हुई थी ठीक है। लेकिन इसकी फैसिलिटी अगर की बात करें तो हमारी उस हॉल से बहुत ही बेहतर है। तो भाई आप जब भी आओ यूनिवर्सिटी आप इलाहाबाद तो इस मौके को कभी गवाओ मत, तो भले ही आप किसी भी फैकल्टी को हो लेकिन हाँ ये चीज़ बहुत ही बेहतर अपने आप में होती है देखने लायक। तो बहुत कुछ इसमें देखने को मिला है और साथ में यहाँ की जो कि क्लासरूम काफ़ी की चीज़ की फैसिलिटी जो यूटिलिटी रही है ठीक है। तो वो भी चीज़ हम क्या कर लेते हैं कि देखने के यहाँ पे प्रयास करेंगे। यहाँ पर भाई लोकेशन देख सकते हो ना कि लोकेशन कितनी जानदार है, मतलब लोकेशन बहुत ही बढ़िया है यहाँ की। साथ में हम सभी क्या क्या करने जा रहे हैं कि जो कि यहाँ पे 101 नंबर है और ये क्लासरूम है तो क्लासरूम की क्या फैसिलिटीज है और ला फैकल्टी में ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये क्लास है और अभी शायद लाइट ऑफ है तो अभी जो भी चीज़ें हैं क्लियर तो आ रही हैं बेहतर ही आ रही हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज है, यहाँ पे डेस्क कैसे है, यहाँ पे मतलब सर की जो भी मेन बेस है वो कैसा है, चलिए बेहतर ही है सब। और भाई आपने जो भी देखा इसके लिए बहुत बढ़िया और जब भी आप आओ तो पूरी तरह से इंजॉय करो। आप देख सकते हो कि मतलब अभी एसी ओसी काफ़ी अच्छी व्यवस्था मिलती रहती है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। इस डिपार्टमेंट में जितने भी मुझे क्लासेस देखने को मिली है वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो भाई इसी के चलते इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे वीडियो को ऑफ करेंगे एंड भाई आप सबसे से रिक्वेस्ट है आप लाइक करो शेयर करो एंड दबा के कमेंट करो एंड मैं अपने सर का धन्यवाद करता हूँ। आप सर को देख सकते हो हमारे, मैं अपने सर का काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि हमें थर्ड ईयर ला डिपार्टमेंट में एक स्टाफ मिले हुए थे जो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने क्या किया कि हमें पूरा डिपार्टमेंट दिखाया, ठीक वैसे ही 5 ईयर ला डिपार्टमेंट में हमें सर मिले। सर अपना नाम संतोष कुमार सर, ये संतोष कुमार सर यहाँ पे स्टाफ हैं और इन्होंने हमें ये चीज़ दिखाने का पूरा लाइब्रेरी दिखाने का प्रयास किया है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ओके, तो भाई फाइनली आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है यार, जब भी वीडियो को देखो तो लाइक करो शेयर करो एंड कमेंट करो एंड दबा करके भाई आगे की आप सभी को हर एक चीज़ दिखाने वाले हैं, बाकी के हर एक चीज़ दिखाएंगे भाई। लेकिन आपको क्या करना होगा कि हम लोगों की भी हेल्प करनी होगी और दबा के इसको शेयर करो लाइक करो एंड काफ़ी ज़्यादा कमेंट करो और भाई सब्सक्राइब करना तो पक्का मत भूलना। चलो ओके बाय।